पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर के अंतर्गत आने वाले महाकाली कॉलोनी परिसर में शहर पुलिस ने गुरुवार की रात अवैध मोहा शराब बनाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। एक ओर जहां कोरोना महामारी ने अपने पैर पूरे विश्व में पसार रखे हैं, वहीं संक्रमण से बचने पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में शराब तस्करों का रुझान अब गांव की शराब की ओर बढ़ा है। वहीं चंद्रपुर जिला जो शराब बंदी है, बावजूद यहां किसी न किसी तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। लॉकडाउन के चलते पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है। पुलिस अवैध शराब तस्करों पर पैनी नजर रखे हुए है, जिससे जिले में शराब तस्करी कुछ पैमाने पर कम हुई है, जिसके चलते शौकीन अब मोहा शराब की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज बड़े पैमाने पर मोहा शराब बनाई जा रही है और चोरी छिपे इसकी तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इन्हीं शराब तस्करों का पर्दाफाश करने के लिए और उन पर लगाम कसने के लिए शहर पुलिस ने गुरुवार की रात शहर के महाकाली कॉलोनी के आनंद नगर परिसर में मिशन ऑल आउट मुहिम चलाकर बड़े पैमाने पर मोहा शराब नष्ट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर पुलिस को शहर के आनंद नगर महाकाली कॉलोनी परिसर में अवैध मोहा शराब होने की भनक लगी। तभी पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी शीलवंत नांदेड़कर इनके मार्गदर्शन में स्वयं पुलिस निरीक्षक सुधाकर अम्भोरे के नेतृत्व में पुलिस के 7 अधिकारी और 35 कर्मचारियों ने मिलकर आनंद नगर परिसर में मिशन ऑल आउट के तर्ज पर मौके पर पहुंचकर अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 12 गुन्हे दाखिल किए और इस कार्रवाई में कुल 3,40,400 रुपए का माल जब्त कर आगे की जांच कर रही है। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी पुलिस निरीक्षक सुधाकर अम्भोरे ने दी। काल रात्री आम्ही महाकाली वार्ड मध्ये आनंद नगर महाकाली वार्ड इथे हातभट्ट्या चालू असल्याबाबत सुरुवातीपासून चालतात, पण काल आम्ही तिथे एक मोहीम राबवली, विशेषतः हातभट्टी नाशची मोहीम, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जवळजवळ 7 अधिकारी आणि 35 कर्मचारी असे एकूण त्या एरियामध्ये गेलो आणि आम्ही एकूण 12 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। 12 आणि एकूण मुद्देमाल आहे। या 12 गुन्ह्यामध्ये एकूण दारू आहे 540 लिटर दारू आणि मोहा सडवा 965 लिटर मोहा सडवा असे, आणि एकूण त्याची किंमत आहे 3,46,400 रुपये। एवढी कारवाई करण्यात आलेली आहे। सध्या लॉकडाऊनमध्ये लोकांचं दारूबाबत पूर्ण स्ट्रिक्ट व्हावं या उद्देशाने केलेली कारवाई आहे।